गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, एंड देन डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, और कॉर्पोरेट एक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं हम कॉर्पोरेट एक्शन से। तो पहले डिस्कस करेंगे हम कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं। सो कॉर्पोरेट एक्शन कुछ नहीं, इवेंट्स होते हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो है वो इनिशिएट करती हैं। इन कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं, और जो कि कॉर्पोरेट एक्शन जो होते हैं वो उनके सिक्योरिटीज के प्राइजेस को और शेयर होल्डर्स के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन और क्या इंडिकेट करता है? कॉर्पोरेट एक्शन ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल अफेयर्स मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो कैसी है, कंपनी के जो शेयर प्राइजेस हैं और परफॉर्मेंस है उनको कॉर्पोरेट एक्शन बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। कोई भी कंपनी जब कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उसमें कंपनी के दो चीजों पर फर्क पड़ता है। या तो कंपनी के शेयर प्राइजेस में फर्क पड़ता है, जो फेस वैल्यू होती है कंपनी के शेयर प्राइस की, या तो वो चेंज होती है, या फिर कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उन पर फर्क पड़ता है। कॉर्पोरेट एक्शन जनरली जो बोर्ड कॉर्पोरेट एक्शन जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो ऑथोराइज करते हैं। अपनी एजीएम के अंदर यानी एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, उसमें जो शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स के साथ म्यूचुअली जो रेजोल्यूशन होते हैं वो पास करा के, जो मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करा के फिर वो कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो अनाउंस करते हैं। लाइक अगर कंपनी को डिविडेंड अनाउंस करना है तो उसके लिए कंपनी जो है एजीएम के अंदर प्रपोजल रखेगी कि कंपनी इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, एंड देन जो रेजोल्यूशन होगा जब डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो रेजोल्यूशन होगा जब वो मेजोरिटी से पास हो जाएगा उसके बाद कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो और कितने तरीके के होते हैं? तो डिविडेंड्स कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर आता है, स्टॉक स्प्लिट भी कॉर्पोरेट एक्शन है, राइट इशू अगेन कॉर्पोरेट एक्शन है, एंड बोनस इशू इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट एक्शन। देन हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो डिविडेंड जनरली जो कंपनी की प्रॉफिट्स होते हैं उसका वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है तो उसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड पर शेयर पर कैलकुलेट होता है। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रॉफिट इनको मिलेगा वो इनका डिविडेंड होगा, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो है वो डिविडेंड बोल सकते हैं उसको। अच्छा, डिविडेंड जो है वो पर शेयर पर कैलकुलेट होता है, पर शेयर पर कंपनी जो है जब पे करती है तो पर शेयर बेसिस पर कंपनी डिविडेंड पे करती है। तो ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जो कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट पर उनका राइट है। ये वॉलंटरीली होता है, कंपनी की कोई मैंडेटरी एक्शन नहीं होता। कंपनी की इच्छा होती है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, कंपनी अपने कैपिटलाइज प्रॉफिट को या तो डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या फिर कंपनी अपने जो डिविडेंड्स होते हैं उनको अपने ग्रोथ और अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी है डिविडेंड डिक्लेयर करना, बट कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करती है? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर इसलिए करती है ताकि जो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स रिटेन करके बैठे हैं उनको इंटरेस्ट आए कंपनी के शेयर्स होल्ड करने के लिए, वो कंपनी के शेयर्स होल्ड करें लॉन्ग टर्म तक और कंपनी को जो है उनसे मनी जनरेट होती है। तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है क्योंकि उनको शेयर होल्डर्स को रिटेन करना होता है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के। देन डिविडेंड इज अ पेमेंट मेड टू इन्वेस्टर्स, इसको पे की जाती है इन्वेस्टर्स मीन्स शेयर होल्डर्स को। क्यों पे की जाती है? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रही है। इट कैन बी कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। कंपनी जो है डिविडेंड को एज कैश फॉर्म में भी पे कर सकती है, कैश फॉर्म में पे करेगी तो बैंक अकाउंट में जो है वो डिविडेंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन अगर कंपनी स्टॉक फॉर्म्स में देती है डिविडेंड्स तो शेयर्स जो है डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। देन कंपनी ऑफर स्टॉक एज डिविडेंड, अगेन कंपनी स्टॉक यानी कि शेयर्स की फॉर्म में भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अपने करंट शेयर होल्डर्स को, और ये अगेन वॉलेंटरी एक्शन है, वॉलेंटरी कॉर्पोरेट एक्शन है। मीन्स कंपनी की के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता पे करना, वो कंपनी की खुद की चॉइस होती है कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है या फिर कंपनी को एक्सपेंशन की तरफ जाना है। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट वो डेट होती है जिस डेट पर कंपनी जो है
एजीएम के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है अपने शेयर होल्डर्स के परमिशन के साथ, अप्रूवल के साथ, मींस रेजोल्यूशन पास करके मेजोरिटी से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। इसमें परसेंटेज जो है डिविडेंड की, लेट सपोज 1%, 7% जो भी है वो फिक्स हुआ है, तो कंपनी पर शेयर पर उतने रुपीज डिविडेंड कैलकुलेट करके अपने जो भी शेयर होल्डर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक्स डेट क्या होती है? एक्स डेट वो डेट होती है कि अगर किसी ने इस डेट तक कंपनी के शेयर, इस डेट से पहले कंपनी के शेयर अगर होल्ड करके रखे हैं तो ही वो जो शेयर होल्डर होगा वो एलिजिबल होगा इसके लिए, डिविडेंड के लिए। अगर एक्स डेट से पहले किसी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स एक्वायर करके रखे हैं देन ओनली ही विल बी एलिजिबल, अदरवाइज तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको जो कंपनी का डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा। अब रिकॉर्ड डेट जो होती है वो क्या होती है? रिकॉर्ड डेट के दिन जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, जितने भी लिस्ट शेयर होल्डर्स की लिस्ट होती है, वो लिस्ट कंपनी प्रिपेयर कर लेती है कि यही लोग हैं जिनको कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। यानी कि रिकॉर्ड डेट के दिन जिस जिस पर्सन के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वही शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे कंपनी के डिविडेंड के लिए। यानी कंपनी डिविडेंड उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिनका रिकॉर्ड डेट के अंदर कंपनी की लिस्ट के अंदर नाम शो हो रहा है, यानी कि उनके अकाउंट में कंपनी के शेयर्स हैं डीमैट अकाउंट में, कंपनी के पास उन शेयर होल्डर्स के नाम की लिस्ट है, तो वही पर्सन एलिजिबल, वही शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे डिविडेंड्स के लिए। देन डिविडेंड पे आउट डेट, एंड देन उसके बाद डिविडेंड जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स के अकाउंट। ये ऑनलाइन पेमेंट होती है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली कंपनी जो है वो ETF होता है, जो ट्रेड्स जो फंड ट्रांसफर्स होते हैं उसके थ्रू कंपनी जो है ट्रांसफर कर देती है पैसा कैश फॉर्म में। आगे हम पढ़ेंगे डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं। तो डिविडेंड के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड को डिस्कस करते हैं। इंटरिम डिविडेंड कंपनी जब ये विदिन ईयर, मीन्स विदिन ईयर टू टाइम्स, ट्वाइस इन अ ईयर जो है इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है। कंपनी जो है विद इन द ईयर डिक्लेयर करती है डिविडेंड और विद इन द ईयर पे कर देती है, तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। यानी 6 months में एक बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है इंटरिम डिविडेंड को, तो हम ऐसे समझ सकते हैं विद इन द ईयर डिक्लेयर और पेड जो होता है वो इंटरिम डिविडेंड होता है। साल में 2 बार कंपनी जो है डिविडेंड पे कर सकती है। कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी एजीएम के अंदर डिसाइड करती है वो फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को साल में एक बार प्रोवाइड करती है। इस साल डिक्लेयर होगा तो नेक्स्ट ईयर पे होगा, वो फाइनल डिविडेंड होगा। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड डिस्कस करेंगे। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? तो डिविडेंड यील्ड गिव्स द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप होती है इसके बीच में, एक रेशो बोल सकते हैं, एक रेशो है ये, करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक और डिविडेंड पेड बाय इशूइंग कंपनी। डिविडेंड जितना कंपनी ने इशू किया है वो, यानी कि करंट मार्केट का जो प्राइस है, जो डिविडेंड कंपनी ने इशू किया है वो करंट मार्केट का कितना परसेंटेज है, उसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। कैसे कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड? तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड मैंने पहले ही बताया कि डिविडेंड क्या होता है, पर शेयर बेसिस पर कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सपोज जैसे किसी ने 100 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, 100 शेयर उसके पर्सन के पास हैं, तो कंपनी जो है 100 शेयर्स पर, अगर एक शेयर पर कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो उस पर्सन को कितने रुपए मिल जाएंगे? उसको 200 रुपीज मिल जाएंगे, क्योंकि एक शेयर पर उसको 2 रुपीज मिल रहे हैं, तो 100 शेयर पर उसको कितने मिलेंगे? उसको 200 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से हम डिविडेंड को बोल सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। तो डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है? एनुअल डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस पर शेयर इनटू 100। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। डिविडेंड यील्ड हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस जो है वो 360 रुपीज है, एंड कंपनी का डिविडेंड जो है पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर वो है ₹10। देन हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है डिविडेंड यील्ड।
डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन शेयर प्राइस और इनटू 100 पे परसेंटेज में आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर तो हमारा पर शेयर पर डिविडेंड कितना है 10 रुपीज, और शेयर प्राइस कितना हमारा 360, उसका मार्केट प्राइस है। अगर हम इसको इनटू 100 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, जो कि आएगा 2.77%। तो ये हमारी निकल कर आ गई डिविडेंड यील्ड, मीन्स कि पर शेयर जो कंपनी का डिविडेंड है वो पर शेयर का कितना, पर शेयर की जो वैल्यू है उसका कितना परसेंट है। 2.77% जो है वो डिविडेंड मिल रहा है शेयर के प्राइस के ऊपर। देन ये हमारा जो था पूरा ओवरऑल टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, इसमें हमने पढ़ा कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है। अब इसके असेसमेंट के लिए मैं चैट बॉक्स में आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, सो आप ये लिंक पर जाकर अपना असेसमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपको सेशन में कितनी चीजें समझ आई और आपको सेशन कैसा लगा ये आपके मार्क्स आपको बता देंगे। एंड आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच।